नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में स्वागत है आपका। मैं आज बताऊंगा आपको कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, और इससे पिछले वाली वीडियो मैंने बताया था आपको रिले और टाइमर के बारे में। दोस्तों, तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। उससे क्या होगा, मुझे अच्छा लगेगा। और क्या है कि मेरे जो आप सब्सक्राइब करोगे उसमें क्या मेरा और मन करेगा कि मैं अच्छी सी वीडियो डालूँ और अच्छा सा आपके सामने अच्छी तरीके से कोई नया टेक्निकल और कोई अदरवाइज कोई अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो अच्छा, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों, मैं बताऊँगा आपको कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। आपके सामने दोस्तों ये दिख रहा है कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है दोस्तों। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों, बताऊंगा आपके बारे में, ये टर्मिनल बॉक्स है दोस्तों। टर्मिनल 1 2 3, इसमें क्या करेंगे अपन, आर वाई बी 3 फेस जोड़ेंगे दोस्तों। और इधर से अपन RYB 3 फेस निकालेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कॉन्टैक्टर कैसे कॉन्टैक्ट होता है, मतलब ये मतलब कैसे होल्ड होता है और कैसे काम करता है दोस्तों। दोस्तों, इसकी सीधी सी परिभाषा है, आपको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्टर होता है ये, मैं आपको खोल के बताता हूँ एक बार को दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इसमें कोयल लगती है। कोयल क्या है, मैंने डैमेज ले रखा है, इसमें कोयल नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें एक कोयल होती है, इसमें अपन कोयल लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें स्प्रिंग होती है, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर अपन इसमें वो लगाएंगे कॉन्टैक्ट, ओ कोयल लगाएंगे, तो कोयल लगाने के बाद में क्या होगा, अपन उनको सप्लाई देंगे। ये बताता हूँ दोस्तों, सप्लाई देंगे। जैसे मान लो अपन इसमें अपन सप्लाई देंगे, इसके सप्लाई पॉइंट